हिस्ट्री में पहली बार किसी एयरक्राफ्ट ने सूरज के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होने की हिम्मत की। पार्कर सोलर प्रोब एयरक्राफ्ट का ये कारनामा हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा टेम्परेचर में न तो कोई मेटल बर्दाश्त कर सकता है और ना ही दुनिया का सबसे सख्त तरीन पत्थर बर्दाश्त कर सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि पार्कर सोलर प्रोब इतने टेम्परेचर में मेल्ट क्यों नहीं होता। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों डिग्री के टेम्परेचर में भी ये बिल्कुल परफेक्टली कैसे काम कर रहा है। 1900 की शुरुआत में साइंसदानों ने सूरज पर रिचर्ड रिसर्च के दौरान एक अजीबोगरीब फिनोमिना नोटिस किया। वो सूरज से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और उसके कलर से सूरज के टेम्परेचर का पता लगा रहे थे। ये काम जमीन पर बैठकर हो रहा था, स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से किया जा रहा था। दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि लाइट की वेवलेंथ और उसके कलर का डायरेक्ट रिलेशन और उसके टेम्परेचर से होता है। जो नतीजा साइंसदानों के सामने आया उसने एक ऐसी मिस्ट्री खड़ी कर दी जिसको आज तक समझा नहीं जा सकता। उन्होंने क्या देखा कि सूरज के सरफेस का टेम्परेचर तो 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसके सबसे आउट एटमॉस्फेरिक लेयर क्रोना का टेम्परेचर हैरतअंगेज तौर पर 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है, यानी सूरज के सरफेस से कम 100 टाइम्स ज़्यादा है। ये एक बहुत ही अनोखा फिनोमिना है जिसको समझने के लिए साइंटिस्ट पिछले 100 सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली ये लेयर सूरज की रोशनी में छिपी होती है और उसको देखना सिर्फ सोलर इक्लिप्स के दौरान पॉसिबल होता है, या फिर क्रोनोग्राफ सनसेट की मदद से। 1958 में नासा की स्थापना के बाद कई ऐसे स्पेस मिशन का आगाज हुआ। एक के बाद एक सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट ने पहली बार स्पेस में कदम रखा, लेकिन सूरज के इस अनोखे फिनोमिना को समझने के लिए ज़रूरी था कि कई ऐसे प्रोब बनाए जाएं जो सूरज की क्रोना लेयर में जा कर के जायज़ा ले और देखे कि आखिर वहां पर ऐसा क्या चल रहा है। वो प्रोब 5 लाख डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से भी सूरज से निकलने वाली रेस पर स्टडी कर सके, और जाहिर है ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि ये इतना टेम्परेचर है जिसका अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1500 डिग्री है, जबकि दुनिया का सबसे सख्त तरीन मेटल टंगस्टन है और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी 3422 डिग्री सेल्सियस है, यानी सूरज की सरफेस इन दोनों मेटल को पलक झपकते ही मेल्ट कर देगी। तो सोचे कि क्रोना लेयर जहां लाखों डिग्री का टेम्परेचर है वहां इनका क्या हाल होगा। लेकिन पार्कर सोलर प्रोब की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट एक मसला था ही, और इसको सूरज तक पहुंचाना इससे भी बड़ा इशू था। जी हां, सूरज जिसने हजारों सोलर सिस्टम के प्लैनेट को आपस में बोंड कर रखा है उसके करीब जाना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले ये समझ लें, अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर वापस अर्थ में लाना हो तो उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है ताकि अर्थ की ग्रेविटी उस पर हावी हो सके और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इसी तरह इसको अर्थ पर नहीं किसी और प्लैनेट पर भेजना हो तो उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल सके। सपोज कीजिए मार्स पर अगर किसी स्पेस एयरक्राफ्ट को भेजना हो तो पहले उसको रॉकेट की मदद से अर्थ की ऑर्बिट से बाहर ले जाया जाता है, उसके बाद सही टाइम सही एंगल और सही स्पीड से उसको अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकाला जाता है। अर्थ के ऑर्बिट से स्पेस क्राफ्ट को निकालना बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग का काम होता है। रॉकेट की मदद से वो अर्थ के ऑर्बिट तक तो आ गया, अब यहाँ पर रॉकेट नहीं होते, लिहाजा स्पेस क्राफ्ट में लगे छोटे रॉकेट का इस्तेमाल करके इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाकर उसको ऑर्बिट से बाहर निकाला जाता है। मार्स क्योंकि अर्थ से सूरज के मुकाबले बहुत करीब है, इसलिए जिस एंगल में स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है वो एंगल इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन सूरज और अर्थ के बीच के डिस्टेंस 150 मिलियंस किलोमीटर है।
और अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर इसको सूरज के ऑर्बिट में डालने के लिए एंगल भी बहुत बड़ा चाहिए और जाहिर है एनर्जी भी बहुत ज़्यादा चाहिए। इतनी ज़्यादा एनर्जी और पावर वाला रॉकेट आज तक नहीं बनाया गया है। लिहाजा नासा के एयरक्राफ्ट ने फैसला किया पार्कर प्रोब को सूरज पर भेजने से पहले वीनस पर भेजा जाएगा। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट है जिसकी ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पार्कर प्रोब की स्पीड बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यहाँ एक मसला था। मसला ये था कि वीनस एक छोटा प्लैनेट है जिसकी वजह से इसकी ग्रेविटी भी कम है। जितनी स्पीड पार्कर प्रोब को सूरज के करीब जाने के लिए रिकॉर्ड थी उसके लिए ये ज़रूरी था कि पार्कर प्रोब वीनस के इर्द गिर्द 24 मर्तबा चक्कर लगाए, तब जा कर के वो सूरज के क्लोज पॉइंट पर पहुंच सकेगा। 12 अगस्त 2018 पार्कर सोलर प्रोब को कैम कैनरोल एयरक्राफ्ट स्टेशन से लॉन्च किया गया। इस मिशन के लिए नासा ने 8 सालों का टाइम प्लान किया। सूरज के सबसे क्लोज पॉइंट पर जाने के लिए वीनस का सहारा 24 मर्तबा लिया जाएगा। हर एक चक्कर में 37 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें से सूरज पर रिसर्च करने का मौका मिलता है, यानी कि टोटल 8 सालों में ये प्रोब सूरज पर 900 घंटे का रिसर्च कर पाएगा। 28 अप्रैल 2021 वो दिन था जब नासा ने कन्फर्म किया कि पार्कर सोलर प्रोब अपने 8वें चक्कर में सूरज की कोरोना लेयर में सक्सेसफुली दाखिल हो चुका है। कोरोना की मिस्ट्री सूरज की सरफेस से भी 100 टाइम ज़्यादा गर्म होना वाकई एक हकीकत था जिसको पार्कर प्रोब ने भी कन्फर्म किया। लेकिन ऐसा क्यों है, कौन सी ऐसी ताकत है जो इस मिस्ट्री कोरोना लेयर को सूरज के सरफेस से भी ज़्यादा गर्म कर रही है, इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है। दोस्तों अब हम आते हैं अपने मेन सवाल की तरफ कि आखिर इतने टेम्परेचर में पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट क्यों नहीं हो रहा। पार्कर प्रोब की जो साइड सूरज को फेस की गई है वहां एक ऐसी हीट शील्ड लगाई गई है जिसको कार्बन फॉर्म से बनाया गया है। ये कोई आम फॉर्म नहीं बल्कि इसको अल्ट्रा मेल्ट कंपनी के खास तौर पर सूरज के टेम्परेचर को एब्जॉर्व करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। ये फॉर्म अंदर से 97% खाली है जो हीट सीट को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है। इसके अलावा इस पर कार्बन कार्बन कंपोस्ट की एक लेयर चढ़ाई गई है जिसको ग्रेफाइट और रेसिन से मिलाकर बनाया गया है। ये मिक्सचर हीट सीट पर लगाकर इसको सुपर हीट किया गया जिससे ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म में बदल गया और आखिर में इस हीट सीट की वो साइड जो सूरज की तरफ है उस पर वाइट सिरामिट पेंट किया गया है ताकि सूरज की ज़्यादातर रोशनी अंदर दाखिल होने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाए। हीट सीट के अलावा पार्कर सोलर प्रोब का बकायदा हिस्सा ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो हमेशा हर वक्त इस सीट की परछाई में ही होगा। पर इन सब चीज़ों के बाद भी पार्कर सोलर प्रोब ज़्यादा से ज़्यादा 2500 डिग्री का टेम्परेचर ही बर्दाश्त कर सकता है जबकि कोरोना का टेम्परेचर 5,00,000 डिग्री सेल्सियस है। अब ये इतना टेम्परेचर कैसे बर्दाश्त कर रहा है ये समझना काफ़ी आसान है। लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक के मुताबिक हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए कोई भी मीडियम चाहिए, जैसा कि गर्मियों में अर्थ पर हवा में मौजूद पार्टिकल्स और वेपर्स अपने अंदर गर्माइश को लेकर चलते हैं जिनकी वजह से हमें रात के वक्त भी गर्मी लगती है। अगर पार्टिकल कम हो तो हीट भी इतनी आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाएगी। एक्सपर्ट का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब की हीट सीट पर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है जबकि उसका पिछला हिस्सा जहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहां का टेम्परेचर माइनस होता है क्योंकि वहां कोई पार्टिकल्स नहीं हैं जो हीट को ट्रांसफ़र कर सके। यही रीज़न है कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज को इतना करीब होने के बावजूद भी मेल्ट नहीं हो रहा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।